करने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अपना डीके फार्मेसी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो इंग्लिश ग्रामर क्लासेस है 9 और 12 की क्लासेस है, जो अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें इसके बारे में। तो आज का जो टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का है, विथ एग्जांपल। ठीक है, 18 डेज में पूरा कम्प्लीट करना वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, जिसमें आप लोग कोई दिक्कत ना हो, कोई आप लोगों को ऐसा ना लगे कि समझ नहीं आया। ठीक है, आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि एक आप लोगों को जो टॉपिक है बताया हूँ इसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें आप लोग कहीं भी आप लोग रंग मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक और उसको पढ़ें हम लोग। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना है और पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग जो क्लासेस है आप लोग पता हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आप लोग कोई भी दिक्कत ना हो, जैसे आप लोग समझना है, मैं तो कहूँगा आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, चले हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्रिया के अंत में, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे हम लोग पहचानेंगे इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि सब जाते हैं। इसका प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में किया जाता है। इस और फॉर का फार का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, इसके मतलब आप लोग समय याद रखना है, क्योंकि टेंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे मंडे हो गया, जून हो गया। ठीक है, मंडे मतलब वीकली हो गया, मंडे, ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, इस तरह आता है। तो आप लोगों को इस सिंस का प्रयोग किया जाता है। जून हो गया, आफ्टरनून हो गया, मॉर्निंग हो गया, इस तरह आप लोग को यूज किया जाता है। 2020 हो गया, 2007 हो गया, 1997 हो गया, ऐसे जो तो आता है वह सिंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये निश्चित समय के है। जो ऐसे मंडे हो गया, वीकली में एक ही टाइम आता है। तो देखिए अनिश्चित समय के क्या प्रयोग किए जाते हैं, फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इसका प्रयोग हम लोग फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे 2 घंटा हो गया, 2 दिन हो गया, 2 रात हो गया, 2 महीने हो गया, मतलब 2 घंटा हो गया, ऐसे आप लोग बात किया जा रहा है। जैसे तुम 2 घंटे बाद आ चुके होगे, तुम 2 घंटे बाद आ रही होगी। ठीक है, तो ऐसा शब्द का यूज किया जाता है, इसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। ठीक है, रहा होगी, रही होगे आदि शब्द आते हैं, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में किया जाता है। जहाँ पर सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाए उसको आप लोग पहचान लेना है। ये 2 चीज़ आप लोग पहचानना है, सिंस और फॉर का प्रयोग, और इसमें और भी टॉपिक है जिसमें आप लोग बता दूंगा। इसमें बीन का प्रयोग होता है, बीन का प्रयोग जहाँ भी हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में है, सारी में होता है, बट फ्यूचर में देखिए इसमें हम लोग पहले किया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया था, विल हैव का प्रयोग किए थे, अब इसमें विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ना है इससे, और कोई भी आप लोग डाउट लगे तो कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पर और समझते हैं कैसे हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। गाइस आप लोग समझ आ रहा होगा, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोग जल्दी आप लोग समझा दो। ये टॉपिक आज का टेंस का कंप्लीट होने वाला है, इसको आप लोग नोट्स बनाइएगा। ठीक है,
तो गाइस आप लोग नोट कर लीजिए नोटबुक में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक में, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो हम इसमें देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में चार सेंटेंस होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट जो कंटिन्यू टेंस में चार सेंटेंस क्या क्या होता है, क्या नाम होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, आप लोग नोट कर लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इंटरगेटिव सेंटेंस होता है, और नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये चार टॉपिक होता है जिसमें हम लोग आज क्लासेस में कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक है। तो अफर्मेटिव जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव, नेगेटिव। तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में पढ़ रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो जो आप लोगों के पास जा रहा है कि अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, इसको कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग खातिर ही इतना मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो चले हम लोग एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे इसका मतलब हम लोग पढ़ने वाले नकारात्मक सकारात्मक, नकारात्मक सकारात्मक वाक्य के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए, इसमें आप लोग बता दिया था कि इसमें पहले आप लोग रोल लिखना है, रोल लिखना है। पहले भी वीडियो में बताया था, रोल लिखना है, रोल, ठीक है। रोल में क्या लिखना है, शब्द आप लोग को जानना है, ठीक है। रोल में आप लोग सब्जेक्ट लिखना है, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो सब्जेक्ट प्लस हैव, नहीं सॉरी, भी लगेगा, भी हैव, विल हैव, सब्जेक्ट विल हैव प्लस बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस, इसमें देखिए वर्ब में जो होता है आईएनजी जोड़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगता है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में वर्ब में तो फर्स्ट फॉर्म है जिसमें आईएनजी हम लोग जोड़ते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस और फोर के बारे में आप लोग बता दिए हो, सिंस के लिए क्या होता है, फोर के लिए क्या यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ना है। देखिए, आप लोग एक टॉपिक को मिसिंग करेंगे, वीडियो को ज़्यादा बढ़ा देंगे, आप लोग समझ नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो कंटिन्यू समझना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे राम घर, राम घर जा रहा होगा,
एक जो शब्द आ रहा है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में बनाना है, तो कैसे हम लोग बनाएंगे इसका पहले आप लोग ध्यान दीजिए। तो राम जो है, अब देखिए इसको हम फ्यूचर, ये तो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का हो गया, अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में बनाएंगे तो कैसे होगा? तो राम वह घर जा रहा होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, राम सुबह घर जा रहा होगा, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी भी आप लोग प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, तो ऐसे हम लोग टॉपिक करके बना सकते हैं। इसलिए हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं कि राम सुबह घर जा रहा होगा, तो इसका मतलब होगा पहले सब्जेक्ट लिखना है राम, ठीक है, राम लिखिए। उसके बाद क्या होता है, भील लिखना है, भील फाइव लिखना है और बिन लिखना है, ये पूरा लिख लेना है बिन। उसके बाद वर्ब में क्या है, गो, मतलब गो का होता है आई एन जी जोड़ेंगे तो गोइंग, गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर जो राम है, राम भील है बिन गोइंग टू स्कूल, ऐसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग समझ आ रहा होगा, आई होप आप लोग समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बनाएंगे, जैसे आप लोग एक और लिखिए कि सीता, सीता जंगल जल जंगल में जा रही होगी, तो ऐसे हम लोग लिखना है, सीता जंगल जा जंगल में जा रही होगी। तो यहाँ पर जो हम लोग बनाए कि फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बनाना है तो इस तरह बनाएंगे। अभी इसको सेम ही है बट थोड़ा डिफरेंट होता है, सुबह से 2 दिन से जा रही होगी, इस तरह हम लोग बनाएंगे। क्योंकि आप लोग तो जो नोट्स लिए हैं उस तरह आप लोग थोड़ा सोचेंगे क्यों ऐसा गलत बता रहे हैं, तो नोट्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो सीता 2 घंटे घंटे से जंगल में जा रही होगी, ठीक है। तो 2 घंटे से, 2 बजे से नहीं, 2 घंटे से, यहाँ पर क्या लगेगा, 2 घंटे है तो इसमें आप लोगों को लिखना है 2 घंटा है, तो सीता तो पहले लिखना है यार, सीता, ठीक है, नोट कर लीजिए सीता। यहाँ पर जो हम बताया था गो टू स्कूल, गो टू स्कूल के बाद हम लोग सिंस मॉर्निंग लिखना है, मिस्टेक कर दिया हम लोग, तो इसमें हम लोग सिंस लिखिए और सिंस मॉर्निंग लिख लीजिए, ठीक है। इसमें आप लोग लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो मॉर्निंग है सुबह का, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर राम जी है बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, ठीक है, इस तरह लिख लीजिए। यहाँ पर भी सीता, सीता विल विल हैव विल सीता है सीता हैव सीता विल हैव बीन, ठीक है। उसके बाद जा रही होगी तो गोइंग गोइंग टू फॉरेस्ट, FORESTT, फॉरेस्ट मतलब जंगल, फॉरेस्ट इन जंगल, गोइंग इन फॉरेस्ट ऐसे लिख सकते हैं, तो सीता विल हैव बीन गोइंग इन फॉरेस्ट, यहाँ पर 2 घंटे से, तो यहाँ पर आप लोग फोर का प्रयोग करेंगे, फार का, और 2 घंटे से 2 आवर्स, आवर, ठीक है। इस तरह हम लोग बनाएंगे, आप लोग समझ आ रहा होगा तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट हम आप लोग बना, यही इसी में से बनाने के लिए बता रहा हूँ, तो आप बना लीजिए। देखिए कोई ऐसा नहीं है जो आप लोग नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर आप लोग लिखिए जैसे विकास नाम है, विकास विकास सुबह से
दुकान पर जा रहा होगा। काश आप लोग इतना बड़ा बनाना आ जाए, कोशिश करूंगा आप लोग इतना बड़ा बना लें, क्योंकि कई बच्चे बना नहीं पाते हैं, तो आप लोग बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह बहुत इजी होता है इतना। आप जो बोल रहे हैं मतलब जो बातें हैं, इसको कैसे बनाया जाए। तो विकास सुबह से दुकान पर जा रहा होगा, तो इस तरह हम लोग बनाएंगे। जैसे विकास सुबह से दुकान पर जा रहा होगा, विकास दो घंटा से दुकान पर जा रहा होगा, जैसे दो दिन से, विकास दो दिन से दुकान पर जा रहा होगा, दो दिन से दुकान पर रहा होगा। ठीक है, इस तरह स्टेटमेंट तो होता है रहना। ठीक है, इस तरह हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, बनाना सिखा दो, क्योंकि इस तरह आप लोग बनाना सीख लें। ठीक है, तो विकास पहले लिखने देना है, विकास विकास लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भील का प्रयोग तो करना ही है, भील और हैव का प्रयोग करना है और बीन का भी प्रयोग करना है। ठीक है, इसको आप लोग रख लीजिए। अब देखिए वर्ब में क्या है, जाना, तो गोइंग दुकान पर, मतलब गोइंग टू शॉप। तो दुकान को क्या कहते हैं, शॉप कहते हैं, गोइंग इन शॉप कहते हैं, गोइंग टू शॉप। ठीक है, टू लिखिए, गोइंग टू शॉप, SHOP मतलब शॉप। ठीक है, सिंस सुबह से, तो यहाँ पर सिंस लगेगा क्योंकि निश्चित समय है ना, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह आप लोग नोट कर लीजिएगा, बनाना सीख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह अब दूसरा आप लोग बना के बताएंगे कि कैसे बनाएंगे विकास। चलिए हम आपको विकास लिख देता हूँ, विकास दो, यहाँ पर दो लिखिए, चलिए आप लोग समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ और लिख समझ आएगा, दो अब समझ आएगा, दो घंटे से, दो घंटे से दुकान पर रहा होगा। ठीक है, इस तरह हम लोग बनाएंगे, विकास दो घंटे से दुकान पर रहा होगा। इसी तरह सेम बनाना है, विकास विल हैव बीन, मतलब रहना का स्टे, स्टे में आईएनजी जोड़ देंगे, स्टे इन शॉप फॉर टू आवर्स। तो इस तरह आप लोग बना लीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जो आज का था कंप्लीट हो गया, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे गाइस, आप लोग नोट कर लिए तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, चलिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है इसमें हम लोग जानेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे हम लोग बनाए इसके बारे में सीखेंगे। पहले हम लोग रूल लिखेंगे। ठीक है, तो रूल लिखिए, रूल में क्या है आप लोगों को, यहाँ पर सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आप लोग विल लिखना है, विल, उसके बाद प्लस हैव लिखना है, उसके बाद प्लस नॉट लिखना है। ठीक है, नाच के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बीन प्लस। ठीक है, तो इस तरह आप लोग ध्यान से समझ आ रहा होगा, बीन प्लस वर्ब में सेकेंड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद चेंज का फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक
हर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, उसके बाद विल हैव का प्रयोग करना सीख लिए। ठीक है, तो अब विल हैव का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे, तो उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग समझ आ रहा होगा गाइस? तो विल हैव नॉट का, विन का, वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट टेंस फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको राम, किसी का नाम है राम, राम दो दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों का आ गया सेंटेंस बनाने के लिए, राम दो दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए सब्जेक्ट लिखना है राम, राम उसके बाद विल लिखना है। ठीक है, विल हैव नॉट, नॉट का प्रयोग हुआ है तो विन का, ठीक है विन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग समझ आ रहा होगा, राम विल हैव नॉट बीन। ठीक है, तो आप लोग समझ आ रहा होगा। तो देखिए मेरा बैटरी जो है डाउन हो गया है, ठीक है, इसका कैमरा का, तो मैं इसको पढ़ा दूँ, आप लोग मेरा फोटो नहीं दिखाई देगा आई होप। ठीक है, तो राम दो दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, राम विल हैव नॉट बीन, नॉट बीन, ठीक है नॉट बीन स्कूल जाना, तो गोइंग, गोइंग, गोइंग टू स्कूल, स्कूल तो लिख लेंगे, स्कूल लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो दिन से, दो दिन से कोई मतलब नहीं होता है, ये निश्चित नहीं है, निश्चित समय है। तो दो दिन से यहाँ पर एफ ओ आर का प्रयोग करेंगे, फोर का, ठीक है फॉर, ठीक है फॉर कितना, दो दो दिन से, तो टू डे, टू डे फॉर टू डे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं टू डे। तो कोई दिक्कत आप लोग नहीं होगा, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है उसी तरह आप लोग एक और बना लीजिए, राम दो बजे बजे से काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह ये निश्चित समय का है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, राम, राम भील हैव Not been doing, करना का होता है doing, ठीक है doing to work, work कहें राम हिल है, राम है, देखिए राम हिल है not been working, ठीक है और since, ठीक है यहाँ पर सेंस लिख सकते हैं राम, ठीक है सेंस लिखिए, यहाँ पर सेंस लिखिए, सेंस दो घंटे से, तो टू दो घंटे से, तो यहाँ पर दो दो बजे से, तो दो बजे से यहाँ पर सेंस का प्रयोग होगा, बट दो घंटे नहीं लिखना है। ठीक है
टू ओ क्लॉक, इस तरह लिखना है। तो 2 बजे हो गया, 3 बजे हो गया, 4 बजे हो गया, ये क्या होता है, सीज का प्रयोग होता है, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा इस तरह। तो नोट कर लीजिए इस तरह, आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस आपका जो आज से था क्लास, नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग पढ़ लिया। अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस पर तो आप लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख लीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक ये कंप्लीट करने वाला हूँ, इसी का वीडियो में आप लोग कंप्लीट होने वाला है। नेगेटिव हो गया, अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आपको कोई डाउट और कोई मतलब ऐसा लगे, आप लोग डाउट लगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, जो भी टॉपिक आप लोग बता दे रहा हूँ उसमें 3-4 आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जिसमें आप लोग अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो मेरा बात तो आप लोग सुनाई दे रहा होगा अच्छे से, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप लोग वो याद रन करना है, इसको याद करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो पहले आप लोग रूल लिखिए, रूल, रूल में आप लोग क्या है इसमें है कि व्हील का प्रयोग पहले करना है, व्हील का, ठीक है। इसमें जो भी आप लोग डाउट लगे तो आप लोग पूछ सकते हैं, कैसे हम लोग को डाउट लगे, व्हील प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, व्हील प्लस सब्जेक्ट हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये भी आप लोग दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसको हम दोबारा आप लोग बता दूंगा, ठीक है। व्हील सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बीन सब्जेक्ट है, बीन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर प्लस लगेगा, ठीक है। इसमें सिंस का प्रयोग होगा, सिंस और वर का प्रयोग होगा, ठीक है। इस तरह आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं दिक्कत आप लोग कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ विल जो प्रयोग कर रहे हैं, हाई बीन का प्रयोग, इसको आप लोग ध्यान से देख के प्रयोग करना है, जिसमें क्योंकि कभी काल ये होता है ना, समझ नहीं आता है। हम लोग इसमें जो टॉपिक में किए थे नेगेटिव सेंटेंस में, उसमें हमको लग रहा है कि विल का प्रयोग करना चाहिए हाई बीन का, तो चलिए नाट में जो प्रयोग किए थे नेगेटिव सेंटेंस में, उसमें हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। आप लोग दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें जो हम लोगों को व्हील का प्रयोग किए थे, इसमें थोड़ा हमको डाउट लगा तो इसलिए आपस आ गया। तो यहाँ पर जो व्हील का प्रयोग है, इसको आप व्हील का प्रयोग जो हैव लिखा है इसको काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि हैव नहीं लिखना है इसमें,
अब देखिए कैसे लिखना है, इसमें पहले आप लोगों को लिखना है भील, ठीक है, इसको थोड़ा जम कर दो, आप गलती किए होंगे तो इसको बना लीजिएगा, ठीक है, राम भील, ठीक है, नाट, यहाँ पर भी रंग है, नाट प्लस हैव बीन, ठीक है, इस तरह हम लोग प्लस करके, ठीक है, इस तरह बना लीजिएगा, ठीक है, राम भील नाट हैव बीन, ठीक है, इस तरह बनाएंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, भील नाट हैव बीन, ठीक है दोस्तों, गलती हो गया, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है, इसके लिए आप लोग सॉरी, ठीक है, तो आप लोग इस तरह नोट कर लीजिए, कहीं भी आप लोग गलत ना हो, ठीक है, आप लोग समझ आ रहा होगा तो नोट कर लीजिए, ठीक है, और दिखा देता हूँ, आप समझ आ रहा होगा, ठीक है, इस तरह आप लोग नोट कर लीजिएगा, बैक जाइए और इसको नोट कीजिए, ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग टॉपिक जो था व्हील सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट सिंस फॉर, इसमें कौन सा हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, व्हील पहले कर रहे हैं, तो देखिए एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिए, तो देखिए आप लोगों को जो टॉपिक है आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे राम, यहाँ पर राम पहले नहीं आएगा, अब देखिए इसमें राम पहले नहीं आएगा, पहले आपको लिखना है क्या क्या राम दो घंटे से स्कूल जा रहा होगा, ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है ऐसे बनेगा, ठीक है, तो जो राम है, राम दो घंटे से स्कूल जा रहा होगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या पहले क्या, तो आप लोग पहले भील लिखना है, भील, ठीक है, भील, उसके बाद राम लिखना है, राम भील, राम, ठीक है, भील राम हैव बीन और स्कूल जा रहा है, तो वर्ब में पिक क्या पहले लगेगा, गोइंग टू स्कूल सिंस, दो घंटा है, दो घंटे के लिए फोर अनिश्चित है, फोर टू आवर, ठीक है, इस तरह आप लोग लिखना है, गाइस आप लोग समझ आ रहा होगा, चलिए आप लोगों को कहीं भी आप लोग गलती लगे तो आप लोगों को बैग जाके पढ़ लेना है, कहीं भी आप लोग टॉपिक में गलती नहीं होगा, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप इंटरगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, इस तरह आप लोग बनाना है, जैसे क्या, एक और आप लोग दे दो जिसमें आप लोग बना लेना है, क्या काजल का जल काजल दो बजे से पढ़ रही होगी, ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको नोट कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या है, तो पहले भील तो लिखना ही है, भील, उसके बाद काजल लिखना है, काजल काजल लिखिए, उसके बाद हैव लिखिए, बीन बीन लिख लीजिए, उसके बाद काजल हैव बीन पटना के, क्या होता है स्टडी, ठीक है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो स्टडिंग हो जाएगा, ठीक है, स्टडी, ठीक है, दो बजे से पढ़ रही है तो स्टडी हो गया, और दो बजे से सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि दो बजता है, ठीक है, सिंस नीचे समय है, टू ओ क्लॉक,
ठीक है, इस तरह। तो आप लोग समझ आ रहा होगा, तो इस तरह आप लोग बनाना है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ये लास्ट चैप्टर है, चौथा सेंटेंस चौथा है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये काम करता हूँ, दोबारा लिख लेता हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग राइटिंग समझ नहीं आएगा तब तक आप लोग पढ़ नहीं सकते। राइटिंग मेरा आवाज़ आप लोग सुनाई दे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट कीजिए, नेगेटिव लिख लीजिए और इंटरोगेटिव, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो कहीं आप लोग दिक्कत नहीं है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH का प्रयोग होता है, पहले आप लोग ध्यान दीजिए। WH का प्रयोग कैसे करेंगे, रूल लिखिए पहले। रूल क्या होता है, WH का प्रयोग करते हैं इसमें, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, WH का प्रयोग करते हैं। पहले जो होता है WH का प्रयोग किया जाता है, तो WH, उसके बाद विल सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस और फार का प्रयोग करेंगे, फार, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे WH के मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप लोग सोच रहे होंगे WH क्या है। तो WH का मतलब होता है, उसको भी आप लोग बता दूं WH के कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल लिखिए, जैसे, ठीक है, जैसे आप लोग लिखने हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए पहले। तुम कहाँ जा, तुम कहाँ 2 घंटे से जा रहे होगे, ठीक है। इससे लिखना है यहाँ पर, तुम कहाँ, ठीक है, दो बजे से जा रहे होगे। क्या बोला, जैसे आपको कोई बोला कि तुम कहाँ 2 बजे से जा रहे होगे,
तो इस तरह हम लोग कैसे बनाएंगे, डब्ल्यू एच का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए जो वो कहाँ है वो डब्ल्यू एच में आता है। जैसे अब देखिए हम आप लोग बना के दिखाता हूँ कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पर कहाँ का मतलब होता है वेयर, वेयर ठीक है, वेयर विल विल ठीक है। अब यू यहाँ पर यू लिखेंगे, देखिए वेयर विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, हैव लिखना है ठीक है, हैव लिखना है, सब्जेक्ट है बिल है, सब्जेक्ट है बीन बीन, उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब में आई एन जी जोड़ना है। तो जा रहे होगे तो यहाँ पर गोइंग, गोइंग 2 बजे से, तो गोइंग सिंस 2 बजे से, सिंस 2 o'clock ठीक है। इस तरह आप लोग बनाना है। किसी से आप लोग पूछ रहे हैं तुम कहाँ 2 बजे से जा रहे होगे, तो आप लोग बताना है वेयर विल यू हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock ठीक है। इस तरह आप लोग बनाना है। इसी तरह आप लोग 10 बना सकते हैं, तुम 2 बजे से, तुम कब 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 रात में, रात से जा रहे होगे, रात से खाना खा रहे होगे ठीक है। तो बहुत शब्द इसमें जोड़ के बना सकते हैं, जिसमें आप लोग एग्जाम्पल बता देता हूँ, इसको बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों को नोटबुक में भी होगा, उसको बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा कैसे बनेगा। आप लोग नहीं समझ आ रहे तो व्हाट्सएप लिंक हम मेरा यूट्यूब चैनल में है, उसमें आप लोग वो डाल सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग में आप लोग बता सकता हूँ ठीक है। जो आज का टेंस था और कंप्लीट हो गया, अब 2-3 एग्जाम्पल ले देता हूँ, आप लोग नोट करके कमेंट कीजिएगा। जैसे तुम कब 2 घंटे से काम कर रहे होगे, इस तरह सेंटेंस आता है बनाने के लिए। तुम कब 2 घंटे से काम कर रहे होगे, तुम जैसे मम्मी कब खाना, मम्मी कब कब से नहीं, कब से नहीं, यहाँ पर कब नहीं, मम्मी कब रात से खाना बना रही होगी ठीक है। इस तरह हम लोग लिखेंगे और बनाएंगे ठीक है। तो तुम कब रात से खाना बना रही होगी, चाहे मम्मी कब रात से खाना बना रही होगी, आप वर्ड को चेंज करके बना सकते हैं सेंटेंस। देखिए राम कब शाम, देखिए यहाँ पर सामने लिखना है क्योंकि आप लोगों को ठीक है, राम कब 2 घंटे घंटे से तो रहा होगा ठीक है। तो राम कब 2 घंटा से सो रहा होगा, इस तरह बनाना है। जैसे आपका नाम है दीपक, दीपक दीपक यहाँ, देखिए यहाँ यहाँ पर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सॉरी, सेंटेंस का अकॉर्डिंग और फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, उसका अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाना होता है ठीक है। दीपक हो गया, दीपक क्या 2 बजे से आ रहा होगा ठीक है। इस तरह हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए, इसको बना के आप लोग सेंड करना है, कमेंट करना है दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आप लोग पहले इसको नोट्स बनाइए, उसके बाद हम आप लोगों को कैन शुड हैव का प्रयोग करना है, वेंट का प्रयोग करना, और बहुत है जो आप लोग बताना है ठीक है। तो आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, इसके बारे में हम आप लोग बता दूंगा, और अच्छे से आप लोग क्या चाहिए उसको कमेंट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग नोट्स भी दे दूंगा। आप लोग मतलब इसको आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।
आप लोग बना के इसको कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं आप लोग बना के सिखा दिया, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग बनाइएगा और समझाइएगा, मतलब सेंड कीजिएगा।